जंगल के बादशाह का नाम दिया तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गईं। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस मुआफ हो जाते हैं। बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। बानी पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल से तहलका खेज गुफ्तगू मंजरेआम पर आ गई। पाबंदियों के बावजूद एक बार फिर बानी पीटीआई की गुफ्तगू सामने आ गई है। इस बार इमरान खान ने फिर से संगीन इल्जाम आयद कर दिए हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई थी। भावनगर वाक़े से ये साबित हो गया कि मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है। मुल्क में ना आईन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना ही जमहूरियत है। भावनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगा दिया गया। IG और वायसराय ने माफ़ी मांग ली। वायसराय ने कहा ये हमारे भाई हैं। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और मुआफ़ी भी मंगवाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, अब 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं हो रहा है। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकायक सामने आएंगे। मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। हमें हुकूमत से खतरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनस से मुआयना करवाने का हुक्म दे।